जब भी मेरे घर में कोई बीमार होता, तब उसको डॉक्टर के बजाय हमारे शहर के मशहूर बाबा के पास ले जाया जाता। बाबा ऐसा क्यों वो करते थे? इंसान तो रोता पीटता था, लेकिन बड़ा खुश होकर वापस आता था। ये भी एक खास बात थी कि बाबा सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते थे। हमारे खानदान की जितनी भी लड़कियां, जो भी अभी 18 साल की नहीं हुई है, उन सब का इलाज बाबा के यहाँ ही होता था। मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ ऐसा क्या होता है कि यह परेशान हाल जाती है और बड़ी खुशी खुशी वापस आती है। आखिर इसी राज को सोचते हुए मैं बड़ी हो गई। मैं खुश अखलाक लड़की थी, कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी, हर किसी से प्यार से पेश आती थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी, लेकिन फिर भी स्कूल के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे। इसी तरह जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। और आज मेरा बर्थडे है, मेरा 16वां बर्थडे। इस बार मुझे इस बर्थडे की बहुत खुशी थी, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे पापा मुझे इस बार कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और मैं 16 साल की हुई, तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मेरे पापा पीर बाबे के पक्के मुरीद थे। पापा उनको दरबार से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। मेरी गिरती सेहत पे वे कभी ध्यान ही नहीं देते थे। जबकि मेरी माँ जिंदा होती तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और फिर मैं जब 14 साल की हो गई, तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मैं 16 साल की हुई, तो यह पेट का दर्द मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैंने कई बार अपने पापा से पेट दर्द की शिकायत की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं घर में हमेशा अकेली होती थी और घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता था, और सारा दिन उन्हें फिक्र की ही नहीं रहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरी परवाह नहीं करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मैं उन्हें बहुत प्यारी थी, लेकिन वो शुरू से ही एक लापरवाह इंसान थे। फिर एक रात उन्हें घर आने में देर हो गई, तो मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी, लेकिन डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। मोहल्ले के अवाला लड़कों को शायद खबर हो गई थी कि हमारे पापा आज घर आने में देर हो जाएंगे उनको, तो उन्होंने मेरे घर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। मैंने पापा को फोन करने की कोशिश की, तो पता चला मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है। मैं बहुत घबराई हुई थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, मेरे पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई दीवार कूदकर मेरे घर आया हो। फिर क्या था, मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और डर की वजह से मेरा बुरा हाल था। मैं अपने कमरे में बेड पे बैठी हुई थी, तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। सनाया, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। खिड़की के बाहर से एक लड़के की आवाज आई, तो उसकी आवाज सुनकर मैं डर से थरथर कांपने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी, तो उल्टा बदनामी मेरी ही होगी, बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। अब मैं ऐसे ही सिमटी हुई खिड़की की ओर देख रही थी कि जैसे वहां पे कोई भूत प्रेत खड़ा हो। आप थोड़ी देर बाद जब मुझे एहसास हुआ कि वहां पे कोई नहीं है, तो मैं धीरे से जाकर उस खिड़की को खोलकर देखने लगी, तो वहां पे कोई भी नजर नहीं आया। इतने में मेन डोर का दरवाजा बजा और वहां से पापा के बोलने की आवाज आई, तो मेरी जान में जान आई। मैंने फौरन भागकर दरवाजा खोला और मैं रोते हुए पापा के गले लग गई। पापा ने मुझे रोते हुए देखा तो पूछने लगे कि बेटी क्यों रो रही हो। इस पर मैं पापा से बोली, पापा, जिस जवान बेटी का बाप घर से बाहर हो और आधी रात को लौट कर आए, तो वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी। तो पापा कहने लगे कि आज भी पीर बाबा के यहाँ मुरीदों की बहुत भीड़ थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई और अंदर आकर कमरे में बैठ गई। यह देखकर मैंने पापा से कहा कि पापा, आपको एहसास होना चाहिए, घर पे माँ नहीं है। अब जिनके सहारे आप मुझे घर में अकेला छोड़कर जाते हो, मैं अकेली हूँ और डर की वजह से मैं सो भी नहीं सकी। मैंने पापा को ये नहीं बताया
कि कोई दीवार कूदकर अंदर घर में आया था। वो जो भी था, पापा को आता देखकर शायद उसके साथी और वे लोग भाग गए थे। तो इस पर पापा कहने लगे, सारे मोहल्ले के लोग हमारी जान पहचान वाले हैं, पूरे मोहल्ले वाले तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने ये सब कहा तो मैं उनकी सादगी पे हैरान होकर उनको देखने लगी। जिन मोहल्ले वालों को वो अपना कह रहे थे, वही कुछ देर पहले दीवार कूदकर अंदर घर में आए थे और उनकी इज्जत तार तार करने को तैयार थे। कोई इतना भी सीधा कैसे हो सकता है, मैं हैरान थी। लेकिन पाप और बेटी के बीच में इज्जत का रिश्ता होता है और जैसी भी होती है, उसी इज्जत की वजह से मैं पापा से खुलकर न कह सकी। पापा ने मुझे सोने को कहा और खुद बरामदे में चटाई बिछाकर जमीन पे सो गए। मैं कमरे में अंदर आई और फिर बेड पे लेट गई और सो गई। सुबह उठी तो फिर से मेरे पीठ में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं रोने लगी। मैं किचन में बैठी हुई रो रही थी कि तभी पापा आ गए और चाय पीने के लिए उन्होंने मुझसे रोने की वजह पूछी। तो मैंने पापा को बताया कि ये पेट दर्द तो मेरी जान लेकर ही रहेगा। तब पापा ने मुझे इस तरह रोते देख लिया तो उन्होंने कहा, ये ठीक है, हम तुम्हें पीर साहब के दरबार में ले चलते हैं, वहाँ पे पीर बाबा की दुआ से सब ठीक हो जाते हैं। रोजाना औरतें किसी न किसी बीमारी या कोई भी दर्द लेकर उनके पास आती है, पीर बाबा दुआ कर देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। पापा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मैंने बेबसी से पापा से कहा। तो पापा कहने लगे कि बेटा, ये डॉक्टर सिर्फ पैसों ही लूटते हैं, छोड़ो डॉक्टर वॉक्टर को, मैं तुम्हें आज शाम पीर बाबा के पास ले जाऊंगा। और यह कहकर फिर वापस चले गए। फिर पापा शाम को आए तो पापा कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, हमें पीर बाबा के पास चलना है। पापा की बात सुनकर मैंने सोचा कि तैयार क्या होना है, पीर बाबा के पास ही तो जाना है। मैंने एक चादर ओढ़ ली और पापा के साथ चल दी। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची तो मुझे एक मुरीद ने रुकने को कहा कि पीर बाबा अभी दुआ कर रहे हैं, और मैं यह सुनकर वहीं पे बैठ गई। अभी कुछ ही समय हुआ था बैठे हुए कि तभी पीर बाबा अंदर आए और मुझे देखते हुए बोले, अच्छा तो ये है तुम्हारी बेटी सनाया। पीर बाबा ने हाथ मेरे सर पे रखकर पूछा तो पापा ने कहा, जी हाँ यही है मेरी बेटी सनाया। पीर बाबा ने कहा कि बहुत बड़ी हो गई है, ये तो पहले जब इसे यहाँ पे लेकर आए थे तो शायद यह 4 या 5 साल की थी। पापा ने कहा कि उस टाइम इसे बुखार हुआ करता था जो आपकी दुआ से ठीक हो गया था, और अब इसे तेज पीर दर्द की शिकायत है जो कि ठीक ही नहीं हो पा रही है। पापा ने बताया तो पीर बाबा ने मेरी ओर देखना शुरू किया और कहा कि मेरे पास आओ। तो मैंने पापा की तरफ देखा तो पीर बाबा ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर दम करना है बेटा। पीर बाबा ने मेरी बीमारी को भांपते हुए कहा तो इस पर पापा कहने लगे, हाँ बेटा बाबा दम करेंगे। तो मैं पीर बाबा से थोड़ा करीब होकर बैठ गई। वो कुछ पढ़कर मुझ पे झाड़ फूंक करने लगे तो उनको झटके लगने लगे। मैं और पापा यह देखकर हैरान हो गए और पीर बाबा को रोबदार तेज आवाज में कहने लगे, तेरी बेटी पे शैतान काबिज हो गया है, बहुत गंदा शैतान है। पीर बाबा ने कहा तो पापा परेशान हो गए। पापा परेशानी से बोले कि बाबा अब क्या होगा। तो पीर बाबा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना होगा, 1 महीने तक झाड़ फूंक करना होगा, शैतान अपने आप भाग जाएगा वरना कभी भी नहीं जाएगा। पीर बाबा से पापा ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रोजाना 1 महीने तक आपके दरवाजे पे रोज लाता रहूंगा। पापा ने कहा तो पीर बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत गंदा और बड़ा शैतान है, इसीलिए तुम्हें यह दरबार में अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं रोजाना इस पे झाड़ फूंक कर दिया करूंगा और जब इसका झाड़ फूंक होता रहेगा इसको किसी के सामने जाने की इजाजत नहीं होगी। पापा ने कहा कि पीर बाबा
आप इसे दरबार में रखे और इसके साथ मैं भी यहीं पे रहूंगा। तो यह सुनकर पीर बाबा को गुस्सा आ गया और कहने लगे, क्यों तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तेरा पीर हूँ, पिछले 20 सालों से क्या तुम यहाँ पे रह रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत करूँगा? पीर बाबा नाराज हुए तो पापा ने उनकी बात मान ली। मैं हैरान हो गई और पापा से कहने लगी कि वह 1 महीने के लिए मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन पापा ने कहा कि परेशान ना हो बेटी, मैं यहाँ पे आता जाता रहूँगा। लेकिन पीर बाबा ने कहा कि झाड़ फूंक के दौरान इसे किसी से भी बात करने या मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मैंने सोचा कि पापा को पीर बाबा का इतना अंधा विश्वास है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन फिर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कभी भी इतने दिन तक घर से बाहर नहीं रही थी। इन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी खाना लेकर आई और मुझे खाना देने लगी। मैंने उनसे पूछा कि पीर बाबा मुझे कब तक झाड़ फूंक करेंगे, तो उसने कहा कि दिन में तो बाबा सिर्फ मर्दों को झाड़ फूंक करते हैं और रात को औरतों को। यह बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने का मुझे शक हो रहा था। रात को खाने के बाद पीर बाबा मेरे कमरे में आ गए। मैं उन्हें खड़ी देखकर मैं खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे बैठने को लिए इशारा किया, मैं उनके सामने बैठ गई। फिर उन्होंने मुझ पे कुछ झाड़ फूँक करना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू टोना या फिर वो मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं उनको होठों को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सा जाप कर रहे हैं, लेकिन शायद वो समझ गए थे इसीलिए आंख बंद करने के लिए कहने लगे। उन्होंने ऐसा कहा तो मैं चौंक गई क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे आंख बंद करने के लिए कहा। जब झाड़ फूंक किया जाता है तो आंखें बंद करनी होती है, वरना झाग फूंक का असर नहीं होता है। पीर बाबा ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उनके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली और कुछ दिन तक ऐसे ही झाड़ फूंक करता रहा तो मैं भी आराम से हो गई कि चलो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। झाड़ फूंक के साथ साथ मुझे दवाइयाँ भी दी जा रही थी और दवाइयों से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था और फिर मुझे सुकून मिला। इसी बीच पापा आते रहते थे लेकिन उन्हें मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दिया जाता था। मुझे अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं थी। पर मुझे इस बात की खुशी हुई कि पापा मेरा ख्याल रखते हैं और रोजाना ही मेरी खैरियत पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा कि मैं बिना वजह ही पीर बाबा पे शक कर रही हूँ। वो तो ऐसे नहीं थे जैसा मैं उन्हें समझ रही थी। 1 महीने के बाद जब झाड़ फूंक पूरा हो गया तो पापा मुझे लेने के लिए पीर बाबा के दरबार में आए तो पापा मुझे खिड़की से अंदर आते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं फौरन दरवाजे के पास गई तो दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे अंदर ही पीर बाबा और पापा की आवाजें सुनाई दे रही थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। तो इस पर पीर बाबा ने पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ से काफी अरसे पहले ही अपने पुराने किसी आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर तो जैसे मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा था। यह पीर बाबा क्या बोल रहा था? पापा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी मुझे वापस करो वरना मैं बहुत बुरा करूँगा तुम लोगों के साथ। पीर बाबा के 2 मुरीद अंदर दाखिल हुए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पापा को यह बताने की कोशिश करने लगी कि मैं अंदर यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन दोनों ने मुझे
इस कदर कसकर पकड़ रखा था और मेरे हाथ पीछे से बांध दिए थे। मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया था। इन दोनों ने मुझे कुर्सी से बांध दिया और मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्ला रही थी लेकिन सब कुछ बेकार था। मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे बाहर से पीर बाबा और पापा के लड़ने की आवाजें आ रही थी और अब मुझे महसूस हो रहा था कि पीर बाबा के मुरीद पापा को मार रहे हैं, तो मेरा दिल टूटकर बिखर रहा था। मेरे पापा के साथ इतना बुरा हो रहा था, वो भी इस दरबार में, जिस दरबार को वो 20 सालों से अपने उत्साह मानते आ रहे थे। दोनों मुरीदों में से एक बाहर गया और जब वो वापस आया तो उनके हाथ में एक इंजेक्शन था। उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे ने मुझे इंजेक्शन लगाया। जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगा, थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जहाँ पे थी वो बिल्कुल एक नई जगह थी और वहाँ पे 3-4 पहरेदार खड़े थे। यानी कि इन लोगों ने मुझे पकड़ने के बाद अपना ठिकाना ही बदल दिया था और मुझे दूसरी जगह ले आए थे। इस वक्त मेरे हाथ पाँव खुले हुए थे और मेरे मुँह पे पट्टी भी बंधी हुई थी। मैं वहाँ से उठकर भागना चाहती थी लेकिन मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पे गिर गई। मैं एक बार फिर से उठना चाहती थी तो उसके मुरीदों ने मुझे पकड़ लिया। ये लोग शायद मुझे दूसरे शहर ले आए थे। एक तो मुझे अपनी इज्जत की पड़ी थी कि अब वो मेरे साथ यहाँ पे क्या करेंगे, और दूसरी ओर मुझे अपने बाप की पड़ी थी कि मेरे पापा साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। मेरे पापा की ईमानदारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। मेरी जिंदगी में तो एकदम से तूफान आ गया था। थोड़ी देर बाद पीर बाबा कमरे में दाखिल हुए और अपने मुरीदों को बाहर जाने का इशारा किया तो उसके मुरीद बाहर चले गए। वो मेरे करीब आया और मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरे पास में रखा फूलदान उठाकर मैंने उनके सर पे जोर से दे मारा और उसके सर से खून निकलने लगा। मेरा बाण इतना तेज था कि पीर बाबा वहीं पे गिर पड़े और अब मेरे पास यही मौका था वहां से भाग निकलने का। इससे पहले कि उसके मुरीद अंदर आ जाते तो मेरे लिए काफी मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने खिड़की का जायजा लिया और वो वहां से भागना आसान था। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली और खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। यह कमरा शायद घर के पीछे के आखिरी कोने में बना था, जहां से मुझे निकलने में आसानी हो गई, क्योंकि पीर बाबा के मुरीद आगे पहरा दे रहे थे। शायद उनका ध्यान पीछे नहीं गया। मैं पीछे से भी भाग सकती हूँ, किस्मत ने मेरा साथ दे रही थी। काफी देर के बाद मैं दीवार के बाहर आ गई और सड़क पे भागने लगी। भागते भागते रात हो गई और रात के समय सड़कें सुनसान थी और मुझे भागने में भी आसानी हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद चक्कर आने शुरू हो गए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे नशे के इंजेक्शन दिए थे जिसका असर अभी भी बाकी था। मैं खाली पेट ही भाग रही थी। मैंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था, मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था और मैं लड़खड़ा कर बीच सड़क पे गिरकर बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पे कौन लेकर आया है, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। उसने मुझसे कहा कि शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें रात में डॉक्टर जैसा इंसान मिल गया, वरना रात के इस पहल तो सड़कों पे शैतान ही घूमते हैं। मैंने नर्स से कहा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे बचाया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। नर्स ने उन्हें बुलाया।
तो मैंने उन्हें देखा तो वो एक 25 साल का खूबसूरत इंसान था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे मेरे पापा के पास छोड़ आओ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है, और डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरे पापा का नंबर भी मांगा ताकि वो पापा को बुला सके, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। यह सुनकर तो मैं जोर जोर से रोने लगी, तो डॉक्टर ने मुझसे रोने की वजह पूछी, तो मैं उन्हें बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे पापा को कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, तभी उनका नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे दिलासा दिया और अपने ही दिन मुझे मेरे घर पे ले आए। मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया तो वहाँ वो खुद ही मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए मेरे घर आ गए। डॉक्टर साहब को देखकर मैं हैरान थी कि कहाँ वो पीर बाबा, दीन धर्म को इस्तेमाल करने वाले लोगों को लूटने वाला, और कहाँ ये डॉक्टर साहब जैसे नेक दिल इंसान जो बिना कोई शर्त के मुझे मेरे पापा के पास पहुँचा रहे थे। वरना पीर बाबा ने तो मुझे मेरे पापा से अलग ही कर दिया था। मैं पूरे रास्ते यही दुआ कर रही थी कि मेरे पापा को कुछ न हुआ हो, और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो देखा मेरे पापा चारपाई पे पड़े हुए हैं और उनके हाथ पैर समय पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि पीर बाबा के मुरीदों ने उन्हें मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी है। पापा ने मुझे देखा तो रोने लगे और कहने लगे, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैंने खुद तुझे उस दरिंदे के हवाले कर दिया, मैं तेरी हिफाजत ना कर सका। इन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी है कि मैं खुद से पानी भी नहीं पी रहा हूँ। मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते हैं मेरी खिदमत करने के लिए। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत की फिक्र थी, और इन 10 दिनों में मैंने खूब दुआएं की हैं। पापा ने जब डॉक्टर की तरफ देखा तो मैंने कहा कि पापा, ये आप ही की दुआओं का नतीजा है जो मैं यहाँ पे सही सलामत खड़ी हूँ। मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे लिए दुआएं करती, लेकिन बाप की दुआओं में कितना असर होता है आज यह बात साबित हो गई है। और मैंने अपनी आप बीती एक एक करके पापा को सब कुछ सुना दी कि कैसे उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मुझे दूसरे शहर ले गए, कैसे मैं वहां से भागी और फिर मुझे डॉक्टर जैसे शरीफ इंसान मिल गए। मेरी सारी बात सुनकर पापा ने डॉक्टर साहब का शुक्र अदा किया कि उन्होंने जो मेरी मदद की थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, पीर बाबा और उन मुरीदों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि आज तो आपकी बेटी की इज्जत बच गई है, ऐसा न हो कि कल किसी और की बेटी इनकी हवस का निशाना बन जाए। और डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठाकर हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। जैसे ही FIR हुई तो पुलिस ने पीर बाबा और उनके चेलों को गिरफ्तार कर दिया। इनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इन्होंने जाने कितनी लड़कियों के साथ ये गलत काम कर चुके हैं। ये लोग झाड़ फूड के चक्कर में न जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और आज जेल में बंद हैं। और कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब ने अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए घर पे भेजा, तो मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि उनका भाई भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक भविष्य डॉक्टर के साथ मेरी शादी होने जा रही है। आज मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और पीर बाबा और उसके चेले जेल की चक्की पीस रहे हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।